ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंसिंग का, लेकिन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में अपन इसको बैलेंस करेंगे। तो अब एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देखो ध्यान देना, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ लास्ट का बैलेंसिंग स्टेप में थोड़ा डिफरेंस होता है। ये बैलेंस होगा एसिडिक मीडियम में, तो शुरुआत के स्टेप्स पूरे सेम होंगे, लास्ट का जो बैलेंसिंग स्टेप होता है, लास्ट वाला जिसमें हम लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो उस बैलेंसिंग स्टेप में बस चेंज करेंगे और वो डालेंगे एसिडिक मीडियम के बेसिस पे। तो अपना स्टेप वन क्या था, स्टेप वन क्या था अपना, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दो, चलो दोबारा लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार, ताकि हम लोग को आइडेंटिफाई करते हुए बने। AH2S3 प्लस NO3 माइनस गिव्स राइज टू ASO43 माइनस प्लस NO और प्लस S। याद है लास्ट बार हम लोगों ने पढ़ा था कि इस पे, लास्ट बार में इस पे पढ़ा था हम लोगों ने कि जो चार्ज पहले से दिया रहेगा उसको रखना है अपने को लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम मतलब इस क्वेश्चन के लाइफ टाइम तक, क्वेश्चन खत्म होते तक। और जो चार्ज हम लोग अपने से डालेंगे वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक अपने को जरूरत है, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहाँ पर अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। सल्फर का कितना होता है -2, तीन का कितना हो गया -6, आर्सेनिक AS मतलब आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो दो का -6 यानी +6 होना चाहिए। एक का कितना हुआ +3, O3 में 3, O का कितना होता है -2, नाइट्रोजन का कितना होगा प्लस, वो मैक्सिमम जाता है याद है ना, ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पर आर्सेनिक का कितना गया प्लस, वेरी गुड, -2, नाइट्रोजन का +2, सल्फर का अकेला है तो 0, ठीक है, अकेले का कोई वैल्यू नहीं होता, देख लो, ठीक है। तो तो ये +3 से +5 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यानी क्या हुआ इसमें, ठीक है। और कहीं पर कुछ चेंज हो रहा है क्या, मेरे को तो दिख नहीं रहा है, कहीं पर हो रहा है क्या, देखो तो सल्फर में हो रहा है क्या कहीं पर, आए हाँ बोल रहे हो रहा है क्या, हाँ वेरी गुड, हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 से 0 बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वेरी गुड, बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा कुछ तो पता है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो -2 से कितना गया वो 0, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। और कहीं पर चेंज हो रहा है क्या, नाइट्रोजन चेक करो तो हो रहा है क्या कहीं पर, हाँ वेरी गुड, +5 से बढ़ा कम हुआ, बहुत बढ़िया, कम हुआ, तो कम हुआ मतलब, एक मिनट, तो यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ी थी क्या, हाँ वेरी गुड, इसका मतलब दोनों में ऑक्सीडेशन हुआ है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितना है पहले, बाद में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, तो हटा देते हैं इसको अपन। ये अपना स्टेप टू हो गया कंप्लीट, स्टेप वन लिखने का था जो लिख रखे थे अपन, ये स्टेप टू चल रहा था अपना, क्लियर हो गया। अब स्टेप थ्री मैं इसी में एडिट करूँगा जो कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। स्टेप थ्री में क्या करना होता है अपने को, स्टेप थ्री में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस हुआ और उसको बैलेंस करना है। तो एक एक से स्टार्ट करेंगे, पहले लेते हैं आर्सेनिक को, आर्सेनिक कितना गया +3 से +5, यानी कितने इलेक्ट्रॉन चेंज किया उसने, अच्छा कितने आइटम है आर्सेनिक के रिएक्टेंट साइड में, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, ये सिर्फ आर्सेनिक का है, प्लस सल्फर भी तो चेंज हुआ है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, -2 से 0 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और कितने सल्फर के लिए, ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, इन लोग 4 इसके 6 इसके बोले तो 10 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने नाइट्रोजन के लिए, यानी 3 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल, दैट्स इट, कोई दिक्कत देने में, ठीक। अब स्टेप 4 आ जाते हैं अपन, इस पर क्या करने का है अपने को, इस पर करने का ये है कि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस करो दोनों को, नंबर को कैसे बैलेंस करेंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड, और इसमें, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 30 इलेक्ट्रॉन और ये भी हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए बस। अब वो इंडिकेशन जो तुमने मल्टीप्लाई किया है, सॉरी जो नंबर मल्टीप्लाई किया है उसको इंडिकेट करो, लेकिन किस साइड इंडिकेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड इंडिकेट करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं अब दोबारा लिख रहा हूँ रिएक्शन को, ये ज़्यादा कचपिच हो गया ना, नया लिख दे रहा हूँ इधर पे, AH2S3 प्लस NO3 माइनस जो कि पहले से दिया हुआ था, गिव्स राइज टू ASO43 माइनस ये भी पहले से था, प्लस NO और प्लस सल्फर, ठीक है। वो पुराने जमाने का आवाज है, वही जा रहा है जो है। चलो तो कितना मल्टीप्लाई किया इसमें AS वाले में, 3 से, तो ये 3 मल्टीप्लाई इधर इंडिकेट कर दिया, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। और नाइट्रोजन वाला कितना मल्टीप्लाई किया, तो इसमें 10 डाल दें, ठीक है। चलो फिर हो गया ये ख़त्म,
बस ये इंडिकेशन हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है अपने को, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करो। शुरुआत करेंगे आर्सेनिक से, कितना आर्सेनिक है इधर कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, इधर कितना है? एक, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? छह आर्सेनिक है, ये कितना आर्सेनिक है? छह, ठीक। सल्फर को काउंट करते चलो, सल्फर कितना इधर बोले तो? वेरी गुड, और उधर कितना सल्फर? तो क्या करें इसको, ठीक है। नाइट्रोजन कितना इधर? इधर कितना नाइट्रोजन? 10 से करते बैलेंस, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबको बैलेंस करना है। हो गया बैलेंस, ठीक। अब लास्ट स्टेप, अब अपने को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। पहले किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? मीडियम कौन सा पहले, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डालेंगे क्या? पानी, जिस साइड कम होगा उस साइड डालने का, ठीक है। तो पहले रिएक्टेंट साइड काउंट करते हैं, कितना ऑक्सीजन है इधर? 30। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट साइड कितना ऑक्सीजन है? ये देखो 6, 6, 4 जा 24। बहुत बढ़िया, और ये कितना है? 10 ना, तो कितना हुआ टोटल? किधर कम है? तो क्या करेंगे इधर? पानी डालेंगे। कितना कम है? तो कितना डो पानी डालेंगे? बहुत बढ़िया, 4 डो पानी डाल दिए, हो गया। अब लास्ट में बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। रिएक्टेंट साइड कितना हाइड्रोजन है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, 8। प्रोडक्ट साइड कितना है? है ही नहीं। तो क्या करेंगे अपन? 8 H+ डाल देंगे। 8 क्या डाल देंगे? H+। क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत इतने में? पक्का? अब अगर कभी तुमको ऐसे दिया है, ठीक है, तो तुमको चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है, तो तुम कैसे चेक करोगे? एकदम कॉमन सा लॉजिक, सर एटम बैलेंस करके देख लेंगे है कि नहीं है करके, है ना। हाँ, वो फुद्दू बनाने वाला है, ठीक है। मतलब ना तुमको एटम कई रिएक्शन ऐसे मिलेंगे जिसमें एटम बैलेंस रहेंगे, लेकिन स्टिल वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस हमेशा चार्ज को करते हैं अपन यहाँ पर अभी, ठीक है। तो देखो कितना ये, इस पे कितना चार्ज है? वेरी गुड, यानी बाबा जी इसमें कितना चार्ज है? -10। इस पे कितना चार्ज है? छोड़ दो। इधर कितना चार्ज है? -3 ना, 6 होगा, कितना हुआ? इसमें कितना चार्ज है? इस पे कितना है? ऐड करो कितना आ रहा है टोटल? -10। और इधर कितना है? बैलेंस है। समझ में आ गया? ये सबसे सस्ता तरीका, ठीक है, सबसे सस्ता तरीका यानी सबसे आसान तरीका यही है। बोले तो चार्ज को बैलेंस करके चेक करो, मतलब एटम तो नो डाउट करना ही है तुमको चेक। एटम के अलावा कब मतलब कैसे पता लगेगा कि भाई वो बैलेंस है कि नहीं है? तो एटम तो चेक करना ही है, प्लस चार्ज भी चेक करना है। कि कई बार ऐसा होता है एमसीक्यूज में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एटम्स बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, बट उसमें चार्ज बैलेंस नहीं होता। तो उस टाइम पर चेक कर लेना कि चार्ज भी बैलेंस है कि नहीं है।